लचीलापन है, शर्म कानून की गलतफहमियां है, जिसकी वजह से अस्पताल में कार्यरत, सबसे पहले बता दूं कि माता चानन देवी अस्पताल जो ये बहुमंजिला बिल्डिंग है, ये धनाढ़ियों का अस्पताल, गरीब इलाज कराने नहीं आते। नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि ये पूरा हुजूम कुछ वर्दी में, कुछ बैगर वर्दी में दिख रहे हैं, अनायास ऐसे नहीं खड़े हैं, ये बेरोजगारी का दंश मार झेल रहे हैं और ये पीड़ा झेल रहे हैं। माता चानन देवी अस्पताल जनकपुरी की ओर से इन्हें कई तरह की पीड़ा दी जा रही है। हमें नहीं पता, हमें सूचना मिली है कि माता चानन देवी अस्पताल में स्टाफ के साथ, जो कई कैटेगरी के स्टाफ हैं, इनके साथ आर्थिक रूप से खिलवाड़ किया जा रहा, आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा और कामों से बेदखल किया जा रहा। हम जानना चाहेंगे एक एक करके इन कर्मचारियों से, मामला क्या है, मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या है बहन जी? रेखा। क्या समस्या आपके साथ? समस्या मेरा ये है कि दूसरा ठेकेदार यहाँ नहीं आना चाहिए और ना दूसरा कोई वर्कर आना चाहिए। हमें रेगुलर ड्यूटी चाहिए, हमें ड्यूटी नहीं मिलता है, हमें ऐसे तमीज करके भगा देते हैं। क्यों भगा रहे, क्या कारण है? दूसरा नया ठेकेदार मंगा रहे हैं, हमारा ठेकेदार के कमी बता रहे हैं। क्यों कमी बता रहे हैं? हमारा ठेकेदार जब कोरोना काल में मैं ड्यूटी किए, एनी वेच हुआ तब ड्यूटी किए, हम ड्यूटी में मौजूद रहते हैं हमेशा। कितने साल से, कितने महीने से काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? हम सफाई कर्मचारी हैं, 20 साल हो गया मेरा, 20 साल से हम कहके, कोई 18 साल से, कोई 20 साल से है, लेकिन लेर हमारा ड्यूटी चाहिए। और उसके बाद हमारे के देखो अब एज क्या हुआ, अब नया ठेकेदार मंगा के और वर्कर से काम करवा रहे हैं। क्या उम्र हो रही है आपकी? हमारे 49 हो गया। 49 साल होने को है, यानी कि रिटायरमेंट, बुढ़ापा की उम्र आने वाली है। ऐसे में इन महिला माता बहनों को आरोप है कि वो निकाल रहे हैं और दूसरा ठेकेदार मंगा के कानून का फायदा उठाते हुए इन्हें बेदखल करके दूसरे कर्मचारियों को कम पैसे पे, कम वेतन पे, मिनिमम वेज का आड़ लेते हुए इनको बदलेंगे, नए कर्मचारी लाएंगे। इसमें क्या मुनाफा किसको होगा, आइए हम जानते हैं। आपके साथ क्या समस्या है? हाँ जी सर, हमारे साथ है सर, है पूरे साल ड्यूटी नहीं मिलती सर। हम आते हैं, घर वापस जाते हैं, हमारे घर में, फैमिली में, रान पड़ोस में बोलते हैं तुम कहाँ जाती हो, कहाँ से आ जाती हो। आप कहाँ से आती है और कब से यहाँ काम कर रही है? मैं हो गया सर 13 साल। कहाँ से आती है? मैं आती हूँ विकास नगर से। आपने कहा आती हूँ और वापस चले जाती हूँ, मतलब? हाँ जी सर, ड्यूटी नहीं मिलती है, बोलते हैं जगह नहीं है, घर जाओ। और सर हमारे को बदतमीजी से पेश करते हैं, इनको कमीशन नहीं मिल रही है, इसलिए इस ठेकेदार को भगाया जा रहा है, हम लोगों को भगाया जा रहा है। नया ठेकेदार आएगा, उसको कमीशन दिया जाएगा, MS अपना कमीशन लेगा, हॉस्पिटल अपना कमीशन लेगा। इसलिए सर हमारे साथ अन्याय हो रही है। हम सुबह से भूखे प्यासे, पुलिस वालों को बुलाया गया, पुलिस वाला आया सर, वो बदतमीजी से हमारे को MS के रूम से निकाला है, बोला कि बाहर चलो, बाहर चलो। हमारे ठेकेदार का बच्चा, शिबू त्रिपाठी को, उसने धक्का दिया है उस बच्चे को, और वो अभी 19 साल का है सर बच्चा, उसको धक्का दिया है। उसके अलावा हमारे को बोला कि बाहर चलो, तुम कह रहे अगर नहीं चलो, उसने क्या करा पुलिस वाले ने, अपने जेल के अंदर तुमको डालूंगी, और अपना पुलिस, लेडीज पुलिस बुलाया और जेंट्स पुलिस बुला लिया, बोला कि अगर तुम नहीं सो रहोगे तो अभी सबको जेल के अंदर डालेंगे, क्योंकि उस पुलिस वाले को हॉस्पिटल ने कमीशन दिया है, पैसा भर दिया है, वो पैसा खा के, इसलिए MS की, हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, उस ठेकेदार की सुनवाई कर रहे हैं। मैं 17 साल से ड्यूटी करती हूँ कंटिन्यू यहाँ पे, जबकि अगर पेशेंट पूरे होते 20 पेशेंट, 40 पेशेंट होते, हमें 4 वर्कर को काम दिया जाता है, और जब पेशेंट 10 हो जाते हैं हमें बोला जाता है कि 2 वर्कर घर भेज दो। अगर इनके पास रोस्टर होता तो हमें पहले इन्फॉर्म करो कि आप घर से ना आइए, क्योंकि हम 50 रुपये, 100 रुपये डेली खर्चाएंगे। फिर घर वाले हमारे से पूछते हैं कि आप गए थे, वापस क्यों आए? आप कब से काम पे? 17 साल हो गए मेरे, रेगुलर करते हो, लेकिन अब इन्होंने क्या कर, परमानेंट वाले सुपरवाइजर सारे अपनी चलाते हैं और ठेकेदार वाले की कोई सुनवाई नहीं होती, आते हैं वापस चले जाते हैं। परमानेंट वाले अपनी इसलिए चला रहे हैं ताकि उन्हें, वो परमानेंट है, हॉस्पिटल का एम्प्लॉई है, और वो ठेकेदारी पे सारी थोप जा, अपने वर्कर से कभी काम नहीं चलवाता। उसका अगर एक वर्कर होता तो एक पेशेंट पे ड्यूटी मिलेगी, और जब हमारे अगर वार्ड में 10 पेशेंट है तो हमारे 2 बंदों को ड्यूटी मिलेगी। और आज जब पुलिस बुलाई गई है इन्होंने, ये त्यागी सर ने बुलाई है, MS ने बुलाई है, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट जो सुभाष त्रिपाठी था उसकी 2 साल हो गए डेट हो चुकी है, अब उनके बेटे हैं शिबू, अब वो आए हैं, हमने उनको बुलाया कि बेटा आज वैसे वो आ चुके हैं, आए तो पुलिस वाला बदतमीजी से बोला है कि तू भाग जा, तू किस लिए आया था, तेरे को तेरा क्या मतलब है, तेरे घुटने तोड़ूंगा तेरे को अंदर। फिर बाउंसर उन्होंने बुला रखे थे जो ठेकेदार आया था,
उससे हमारी आथापीती हुई है। उन्होंने बदतमीजी से बोला, पुलिस वाला यहीं खड़ा होगा, उसने बदतमीजी से बोला कि या तो मैं तुम्हारे घुटने तोड़ दूंगा, तुम्हें अंदर करवा दूंगा जेल में। और इस लड़के पे 19 साल का लड़का है अभी, इसकी क्या एज है, इसको क्या पता है छोटा और बड़े का, इस पे भी हाथ उठाया उन्होंने। तो हमें 20 साल 18 साल 22 साल हो गया, अगर आप ठेकेदार आ रहा है तो सर अगर हमें निकाला जाएगा, लिखित में नहीं देता हॉस्पिटल की, हमें ठेकेदार नहीं चाहिए, अगर ये जा रहा है तो हमें दूसरा भी नहीं चाहिए, तो हमें हॉस्पिटल परमानेंट करें ना। ये शर्म कानून की लचीलापन है, शर्म कानून की गलतफहमियां है, जिसकी वजह से यहाँ अस्पताल में कार्यरत, सबसे पहले बता दूं कि माता चानन देवी अस्पताल जो ये बहुमंजिला बिल्डिंग है, ये धनाढ़ियों का अस्पताल है, इस अस्पताल में गरीब इलाज कराने नहीं आते, धनाढ़ लोग, अमीर लोग, फैक्ट्री वाले लोग ही आते हैं। इसके बीच जो अस्पताल में एमएस डॉक्टर ये लोग हैं, ये तो परमानेंट है, लेकिन जिनके भरोसे रोगियों का इलाज, साफ सफाई, मरहम पट्टी, कई तरह की चीज़ें, सुई दवाई दी जाती है, उनकी नौकरी तभी है जब स्टाफ के साथ साथ अस्पताल में रोगी आए, रोगी आए तो इनकी ड्यूटी लगेगी, और किसी दिन पेशेंट नहीं आए तो नहीं, हम घर जाएंगे। सर सर एक मुद्दा और भी है, कोरोना काल में हमारी 20-20 घंटे ड्यूटी लगा थी, 18 घंटे डबल, और जब अगर एक बंदा नहीं भी आता था तो अभी हमें यहीं रुकता था, हमारे बच्चे ऑनलाइन खाना मंगा कर खाते थे, हमारे यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट नहीं था, हमें एसआई के लिए रेफर करते थे, हमें ये कोरोना हुआ था तब भी। इनकी हालत जो बिल्डिंग मजदूर, निर्माण मजदूर होते हैं उससे भी बदतर है, उनको भी काम दिया जाता है 2 महीने 3 महीने, जब तक बिल्डिंग बन ना जाए तब तक के लिए उन मजदूरों को परमानेंट रखा जाता है, आश्वासन भरोसे पे कि बिल्डिंग बनने तक आप काम करोगे। लेकिन ये अब देखिए, जब तक स्क्रीन हमारा शुरू हुआ था, अब यहाँ 250 से अधिक स्टाफ आ चुके हैं, कई कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन इनकी नौकरी तभी है जब इसमें पेशेंट आए, पेशेंट नहीं आए तो ये दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर हालात में है। आप क्या कुछ कहेंगे? सर पेशेंट को तो हम भगवान मानते हैं, क्योंकि उनसे, पेशेंट से हमारी रोजी रोटी है, लेकिन अब आज 10/2012 से हम यहाँ काम कर रहे हैं, अब हमारे ठेकेदार को वो करके दूसरा ठेकेदार ला रहे हैं, अब जितने हमारे 12-15 लड़के को आज बाहर बैठा दिया, नए नए लड़कों को आज वो ठेकेदार लेके आया, वो लगा दिया, और ड्यूटी नहीं दे रहे, लेडीज को भी लगा रखा है, चार उन्हें साफ सफाई करनी नहीं आ रही, उसके बावजूद में भी उनको वहाँ पे रखा है वार्ड में। हमसे पूछ रहे हैं कि हाउसकीपिंग में क्या करना चाहिए सर, बताइए। ये कह रहे हैं कि जब हमारे लिए ड्यूटी नहीं है तो उनको कहाँ से ड्यूटी दे रहे हैं ये लोग? कोई नहीं करता बैंक की, हमें पता चला है, हमें पता चला जो नया ठेकेदार आया है उसने ये बोला कि भाई शॉर्टेज है इसलिए मैं ठेकेदार मतलब वर्कर रख रहा हूँ। अगर शॉर्टेज है तो हमारी स्टेटमेंट बुक पास की चेक करे कि हमारे कितनी सैलरी जाती है, हमारे आधे वर्कर सर वापस आते हैं। इन्होंने हमारे लिए बाउंसर भी मंगाए, दिन भर खाया नहीं है सुबह से? नहीं सर कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पिए सर, दो बॉडी पैक करे सुबह से ऐसे ही बैठे सर, रात के बंदे रात के। और सिस्टरों का काम क्या है, सिस्टर इतनी मेडिसिन नहीं देती और सारा काम हमसे कराती है, सिस्टरों का भी हमारा भी, सिर्फ वो क्या करती है डिप वगैरह लगाती है, बाकी दवाई दे देती है, ना कोई सीट चेंज करवाती ना। दर्जा दिहाड़ी मजदूर से भी नीचे, और काम सिस्टर और नर्स वाला, इससे बदतर हालात दिल्ली की है, राजधानी की है, जैसा कि आप देख रहे हैं इन स्टाफों के साथ। और स्टाफ कोई आज से 1 महीने 1 हफ्ता पहले से नहीं, दशकों पहले से काम कर रहे हैं, और स्टाफों की उम्र रिटायरमेंट तक की आ गई है, 50, 45, 55 हो गया है। बावजूद इसके अस्पताल की पॉलिसी देखिए, ठेकेदार को बदल दो सारा स्टाफ बदल जाएगा, इसके बाद पैसे भी कम देने पड़ेंगे और काम मन मुताबिक होगा। क्या ये जितने भी काम कर रहे हैं अब तक मन मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, या फिर काम में चोरी कर रहे थे? आप लोग सही से काम नहीं कर रहे होंगे, काम में कोई शिकायत नहीं। सर मेरे को बुलाया वहाँ पे, मेरे को मारा भी है इन्होंने, वो बॉक्सर जो आए थे मेरे हाथ में चोट लगी। ये मैं कुछ सवाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जवाब उधर से खुद आ रहा है, ये बाउंसर बुलाए थे, यानी कि कथित तौर पर या सच में यहाँ कुछ अंदर हुआ है तभी बाउंसर बदतमीजी बुलाए हैं। और इधर किसकी पिटाई हुई है, कोई बच्चा यहाँ 19 साल का एक बच्चा है, उसके साथ भी मार कुटाई हुई है, कई महिलाओं के साथ छीना झपटी भी हुई है। तो मेरे और इसके दोनों के लगे कहेंगे सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम है सबकी एक है, और रह गए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है आर्मोर सिक्योरिटी प्लेसमेंट,
हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टाफ हैं, ठेकेदार हैं, जो भी मैनेजमेंट से को प्रॉब्लम है हमसे, हमारे ठेकेदार से, तो हमारे ठेकेदार को बोलें कि हमें स्टाफ बढ़ाओ, हमारे स्टाफ काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, एक्स वाई जेड जो भी काम है, और हमें ड्यूटी दी जाए टाइम से। और इसके बाद हमें, जैसे कि आज कुछ नए ठेकेदार आए थे, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं स्वर्गीय श्री सुभाष त्रिपाठी जी, उनकी 2 साल पहले कोविड में देहांत हो गई, उसके बाद से हमारे स्टाफ के साथ हम कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे हैं, हमें टॉर्चर किया जाता है, ड्यूटी नहीं करेगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकियां दी जाती हैं। कुछ मसला ड्यूटी का है और ठेकेदार बदलने के बाद इन्हें बदला जा रहा है। ठेकेदार बदलना तो वाजिब है, लेकिन इन स्टाफों का जो हुनरमंद है और कई सालों से काम कर रहे हैं, आज रिटायरमेंट के समय ये कहाँ जाएंगे, इसका जवाब क्या अस्पताल प्रशासन के पास है, अस्पताल मालिक के पास है, अस्पताल ट्रस्टियों के पास है? नहीं, तो एक बार इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ये 250 से 300 का जो हुजूम है, इनका भविष्य कहाँ, इनका परिवार कहाँ, इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये कहाँ खाएंगे और कैसे रहेंगे? ठेकेदार अपनी मनमानी करता रहेगा और अस्पताल कब तक इन बातों को दबाए रखेगा, छुपाए रखेगा? दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। अभी जो माता चंदन देवी अस्पताल की बात हो रही है, माता चंदन देवी अस्पताल में जो मेंबरशिप है हमारी बहुत पुरानी है, करीब 15 साल पुरानी है। जो यहाँ पर मजदूर हैं ये पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तत्काल में जो वहाँ पे ठेकेदार हैं अरमोल सिकोटी करके, वो 2009 में आया और 2009 से पहले से ये कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत थे, और 2009 में जब ये ठेकेदार आया तो अपने रोल पे सब कर्मचारियों को लिया और उस समय से कर्मचारी सब वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर जब इस हॉस्पिटल का चेयरमैन महाशय जी थे, जो MDH मसाले के मसे मशहूर आदमी हैं, आप सब जानते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, उसके बाद इस हॉस्पिटल का चेयरमैन राजीव गुलाठी जी बने, वो भी अच्छी तरह से हॉस्पिटल को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अन्य मैनेजमेंट है, जैसे MS है और जो मैनेजमेंट नए तैयार हुए हैं, वो जानबूझ करके हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए नए नए प्रोग्राम वहाँ पर करते हैं और मजदूरों पर अत्याचार करते हैं। अभी देखिए जो आज की कहानी है, उस पर ऑलरेडी जब पहले से ही 250-300 कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं, ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत हैं, और उनका केस न्यायालय में चल रहा है रेगुलाइजेशन के लिए, लेकिन जानबूझ करके जो नीचे वाला मैनेजमेंट है, इन्होंने दूसरे ठेकेदार को ला करके वहाँ पर और उसके कर्मचारियों को वहाँ पर रखना चाहते हैं और ज़बरदस्ती इन मजदूरों को वहाँ से भगाना चाहते हैं। उस जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो अस्पताल प्रशासन ने भारी बल तरीके से पुलिस बुलाई और वहाँ पर बाउंसर को बुलाया और मजदूरों पर अत्याचार करने की कोशिश की और पुलिस के द्वारा भी धमकी दिलवाया कि तुम सबको वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। देखिए मेरा कहना है कि मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं और ये सभी कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं, आया हैं, जो दूसरे का गंद साफ करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन राजीव गुलाठी तक ये बात नहीं पहुंचता है, नीचे के जो भी अधिकारी हैं वो जानबूझ करके ये सब परेशानी वहाँ पर करते हैं कि हॉस्पिटल में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहे और उनकी नौकरी चलती रहे। मेरा कहना है और मेरा मांग है, ये इस स्कूल इस अस्पताल के चेयरमैन राजीव गुलाठी जी से कि जो नीचे का मैनेजमेंट है उनको समझाएं और मजदूर जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको शांतिपूर्वक काम करने दें, वहाँ पर ऐसा कोई बवाल ना करें जिससे कोई समस्या खड़ी हो। अगर इन मजदूरों के साथ अत्याचार किया गया और इन मजदूरों को हटाने की कोशिश की गई और दूसरे ठेकेदार को तरह तरह के वहाँ पे शामिल करने की कोशिश की गई, तो एटक छोड़ने वाली नहीं है, इस मजदूरों के रोजी रोटी जाने नहीं देगी, आंदोलन पूरी तरीके से करेगी और ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर अस्पताल के पास हजारों मजदूरों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेगी और जब तक मजदूरों का समस्या का समाधान नहीं होगा वहां से कोई भी कर्मचारी जाएगा नहीं, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।